तो हेलो बच्चे, आज क्लास ट्वेल्थ का बायोलॉजी का क्वेश्चन देखते हैं। 35 क्वेश्चन है VVI। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है जो क्या कह रहा है इसे समझेंगे बच्चे। 35 प्रश्न पूछ रहा है, भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका है क्या? तो भ्रूणकोश की सेंट्रल द्वितीयक है। तो चलेंगे पहला क्वेश्चन का भी होगा, बीजचोल खाया जाता है। तो याद रखिए, बीजचोल जो होता है बच्चे वह खाया जाता है किसका? तो याद रखिएगा, शरीफा, सेब, नारंगी, इनमें से सभी। तो आपको खाया जाता है शरीफा का, यानी ए जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 3, उभयलिंग प्राणी है। उभयलिंग प्राणी माने कौन है? मुर्गी, सांप, दोनों, केंचुआ। तो याद रखिए केंचुआ होगा बच्चे, यानी डी। क्वेश्चन नंबर 3 का डी। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन द्विगुणी संरचना है? तो इनमें से द्विगुणी संरचना के बाद दो है, तो याद रखिएगा इनमें से सभी हो, यानी कहने का मतलब है कि डी। मानव रुधिर ओ वर्ग में क्या होता है? तो याद रखिएगा ए होगा, यानी एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, एंटीजन उपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी ए उपस्थित होते हैं। तो याद रखिएगा ए जवाब होगा, यानी 5 का जवाब होगा एंटी चेन उपस्थित होते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चे, 6 नंबर क्वेश्चन, क्लोरेला क्या है? तो क्लोरेला एक याद रखिएगा जीवाणु है, सवाल है, प्रोटोजोआ है, एकल कोशिका प्रोटीन है। तो वह एक क्लोरेला एक क्या है? सवाल है बच्चे, यानी बी होगा। तो चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्राइजीन बॉल क्रीमी से किस फसल को बचाता है? तो याद रखिएगा यह कपास, आम, चाय, गेहूं। तो याद रखिएगा यह खास करके कपास को बचाता है, यानी यह जवाब होगा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि अम्लीय वर्षा का कारक क्या है? अम्लीय वर्षा का क्या कारक है? CO तथा SO2, NO2 तथा SO2, CO2 तथा NO2, N2 तथा NO3। तो याद रखिएगा बच्चे, यानी आपको होगा बी, NO2 SO2। आगे बढ़ेंगे, अम्लीय वर्षा का कारक कौन है? NO2। लाइकेन सूचक है कौन? CO2 प्रदूषण, SO2 प्रदूषण, CO प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो याद रखिएगा यह होगा बच्चे SO2, यानी SO2 प्रदूषण, यानी 9th का क्या होगा आपका? बी। सबसे पहले लाइकेन जो है वह किसका प्रदूषक है? बी, यानी SO2 का। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, मानव साधारणतः ध्वनि तीव्रता सहन कर सकता है? तो देखिए बच्चे, मनुष्य जो है अगर अधिकतम अगर ध्वनि को अगर सुनता है तो 130 डेसिबल से ज़्यादा नहीं सुनता, जीरो से, लेकिन 120 के बाद झनझनाहट होना चालू हो जाता है, गड़बड़ाहट होना चालू हो जाता है, तबीयत खराब होना चालू हो जाता है 110 के बाद ही। लेकिन आपको आंसर होगा 20 से 30 डेसिबल, यानी मानव संसाधन का ध्वनि तीव्रता सहन कर सकता है 20 से 30 डेसिबल, इतना जो है जो सही है। एक बाद अनकुड़ा बढ़ना चालू हो जाता है, माने एक तरह से चिड़चिड़ापन होना चालू हो जाता है, इसके बाद हानि एक तरफ से है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किसमें जल परागम होता है? तो याद रखिएगा जलकुंभी, कमल, हाइड्रिला। तो याद रखिएगा इसमें आपको होगा बच्चे हाइड्रिला, यानी सी जवाब होगा। कौन होगा? तो जल परागन द्वारा हाइड्रिला होता है, इसी का जो होता है ना हाइड्रिला का, वह मुँह खुला टाइप का हो जाता है, तो इसलिए याद रखिएगा जल परागन जो होता है बच्चे वह हाइड्रिला में होता है, यानी सी। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ट्राइसोमी 2N+N1 के कारण बच्चे के मंदबुद्धि होने का कारण क्या है? तो याद रखिएगा यह जो गुण है वह खास करके ये चालू हो जाता है कौन सा, 2N+1 में जब कन्वर्ट होगा तो बच्चे मंदबुद्धि होंगे, यानी डाउन सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? तो याद रखिएगा डाउन सिंड्रोम होना चाहिए, यानी फिलाडेलिया डाउन सिंड्रोम, एल्बिनिया, तो डाउन सिंड्रोम यानी बी होगा बच्चे। आगे बढ़ेंगे,
13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सेशन में, डाउन सिंड्रोम, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इनमें से क्या है, डीएनए टाइपिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग, ए और बी दोनों है इसमें, टाइपिंग भी होता है प्रोफाइलिंग भी होता है, यानी आपका डी एडेनिन ग्वानिन उसका क्रिया होता है, यानी डीएनए टाइपिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग, तो आपको होगा सी। 14 क्वेश्चन का जवाब चलेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, डीएनए का आप सभी को पता होगा फुल फॉर्म, डीएनए के क्या होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, आरएनए के राइबो न्यूक्लिक एसिड, अगर हम लोग आरएनए के पिक्चर पढ़ेंगे तो हम लोग एक थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर देगा, डीएनए के पढ़ेंगे तो डबल कर देगा। तो चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, निम्न में से किस डीएनए अणु में प्यूरिन है, तो याद रखिएगा बच्चे यह प्यूरिन जो होता है वह खास करके एडेनिन और ग्वानिन में होता है, यानी डीएनए के अणु में प्यूरिन होता है तो वही जो थाइमिन और ग्वानिन और एडेनिन तो उसी में आपका प्यूरिन हो जाता है, तो याद है ए और जी, यानी एडेनिन और ग्वानिन, सी जवाब होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, 15 का जवाब क्या है बच्चे, एड्स बीमारी में एचआईवी किस कोशिका को नष्ट कर देता है, तो ये जो होता है बच्चे बताना है आप लोग का, एचआईवी जो होता है यह एक वायरस है, यह जब एड्स धरने के बाद मनुष्य के शरीर में कोशिका को नष्ट कर देता है बच्चे, किसका नष्ट करता है, कोशिका को, और कोशिका को नष्ट करने के बाद यह बीमारी शरीर में जो होता है वो होना चालू हो जाता है, और तो यह खास करके हमारे शरीर में जो होता है टी लिम्फोसाइट कोशिका जो होता है, यानी उसको यह ख़त्म करने का काम करता है, तो T4 लिम्फोसाइट, यानी सी जवाब हुआ। आगे बढ़ेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसकी ओर हम लोग चलेंगे, हमारे शरीर में टी लिम्फोसाइट जो होता है वह एक तरह से ऊर्जा शक्ति का भी प्रदान करता है बच्चे, तो ऊर्जा का मतलब शरीर में एनर्जी बनाना, ये काम करता है कौन, टी लिम्फोसाइट। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है, तो ये तो खास करके एशिया चीता के लिए है, यानी सिंह के लिए होता है ज़्यादा, एशिया चीता के लिए, एशिया सिंह के लिए, यानी एशिया बाघों के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है। न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजिनस बेस के बीच कौन सा बंधन बनता है, तो न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजन बेस के बीच कौन सा बंधन बनता है, तो याद रखिएगा इसमें जो न्यूक्लियोटाइड होता है ना उसके बीच में जो दोनों तरह से हो जाता है तो उसमें बीच में हाइड्रोजन बंधन बन जाता है, यानी एच एच रह जाएगा, दोनों तरह से रहेगा और बीच में लकीर खींच रहेगा उसमें एच एच हो जाता है दोनों, यानी हाइड्रोजन बंधन। कैंसर किस कारण से होता है, तो कैंसर जो होता है बच्चे वह खास कर एक तरह से फूल जाता है, यह जीवाणु ओकोजिन्स के द्वारा, ये भी दोनों इनमें से कोई नहीं, तो खास करके ओकोजिन्स के द्वारा होता है, लेकिन ये होता है ओकोजिन्स के द्वारा कैसे, चलते हैं हम लोग देखते हैं, तो ओकोजिन्स के द्वारा जैसे होता है उस सेल को ख़त्म कर देता है और वहाँ पर एक तरह से फूला हुआ रहता है और उसी फूला हुआ में यह क्रिया करना चालू कर देता है काटना, और उसी से हमारे शरीर में कैंसर की उपाधि हो जाता है, उद्गम हो जाता है। तो याद रखिएगा खास करके एक बैलून नुमा जैसा फूला हुआ हो जाता है उस सेल में।
याद रखिएगा। 18 का जो जवाब होगा आपको क्या होगा, बी होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है सब आगे से अब देखते हैं। तो सेल जो हमारे शरीर में जो खास करके जो क्रिया करता है बच्चे, वही के देन है कि हम लोग मजबूत होते हैं। चलेंगे 19 नंबर, कल्याण सोना किसका किस में? तो कल्याण सोना जो है गेहूं की सोना, ये भी दोनों में से कोई नहीं। कल्याण सोना जो होता है बच्चे खास करके गेहूं का मतलब है किस्म है, गेहूं का किस्म है, गेहूं का यह नाम है कल्याण सोना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन एकल कोशिका प्रोटीन है? एकल कोशिका प्रोटीन कौन है? स्पारुलिना, क्लोरेला, सिनेडेस्मिस, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा आपका जो 20 का जवाब होगा वो सभी होना चाहिए। किससे कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है? किससे कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है? तो याद रखिएगा कृत्रिम बीज का निर्माण जो होता है बच्चे वो खास करके कायिक भ्रूण द्वारा होता है, यानी ये बी डी एन ए के एक अणु एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजन बेस के कितने पेयर्स होते हैं? तो याद रखिएगा इसमें जब हम लोग डीएनए पारेंगे और डीएनए पारने के बाद जो यहाँ से होता है ना और यहाँ तक, ये दोनों जो होता है ना इसका जो दूरिया जो है ना उसी को हम लोग बोलते हैं पूर्ण घुमाव। और इसमें जो होता है बच्चे वो खास करके क्षार बनता है, जो हाइड्रोजन से बनेगा ये बॉन्डिंग, इसके अंतर्गत कितने नाइट्रोजन क्षार होता है? तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग का 10 क्षार होता है बच्चे, यहाँ से यहाँ तक यानी 10 पेयर्स होते हैं। तो 10 पेयर्स नाइट्रोजनी बेस के कितने पेयर्स होते हैं? तो 10। तो पहला ऑप्शन में आपको 5, बी 10, सी 15, डी 20। तो आपका जवाब होगा बी यानी 10। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तेईस नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? विषाणु से होने वाला रोग कौन है? तो विषाणु से तो फ्लू, पोलिया, एड्स सब हो जाता है, यानी 23 का जवाब सभी, इनमें से सभी होगा क्योंकि सब में विषाणु जनित रोग ही सब के सब विषाणु से होने वाले रोग हैं। टोडो जो है ना बच्चे, टोडो है क्या? टोडो जो है जो खास करके यह जो है एक माने बत्तख की तरह प्रजाति है, बत्तख की तरह दिखने में लगता है खास करके। हालांकि बत्तख की तरह रहने वाला एक विलुप्त प्राणी है, संकटग्रस्त प्राणी है, आपत्तिग्रस्त यानी एक हो गया, ये होगा आपका जवाब विलुप्त प्राणी। यह बत्तख की तरह दिखने में लगेगा माने बगुला की तरह, वो ख़त्म हो गया, तो यही प्राणी है था टोडो। जीवाणु में पाया जाता है क्या? जीवाणु में पाया जाता है खास करके आपको याद रखिएगा प्लाज्मिड, डीएनए, आरएनए दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको पाया जाता है ए प्लाज्मिड ए। द्विशंकर क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात क्या है? तो याद रखिएगा यह जो है वो आपको 9:3:1, यानी आपका होगा जवाब सी। कौन होगा? सी। उसके बाद बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है यानी 27 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है से समझेंगे। यह खास कर सी होगा जवाब ना, द्विशंकर क्रॉस बोल रहा है तो यानी आपको सी होगा। सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है क्या? कराया जाता है सूक्ष्म प्रजनन, सूक्ष्म प्रजनन जो होता है उसमें कराया जाता है, मैंने छोटा सा प्रजनन में क्या कराया था? तो याद रखिए यह खास करके आपको होना चाहिए समान अनुवंशिक गुणों वाले पौधों में।
सूर्य प्रजनन कराया जाता है, तो इसलिए यह आंसर होना चाहिए बी। आगे बढ़ेंगे। दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? तो दूध से दही बनने में बच्चे जो उपयोग हम लोग करते हैं, दूध से दही बनने में जो हम लोग उपयोग करते हैं दूध से दही बनने में बच्चे इसको उपयोग करते हैं लैक्टोबैसिलस के। किसको करते हैं? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो है वही जो दूध से दही बनने का कार्य करता है बच्चे, याद रखिएगा। लैक्टोबैसिलस कौन करता है? लैक्टोबैसिलस।